सोशल मीडिया पर बंदूक और हथियारों के बल पर दादागिरी दिखाने वाले दो बदमाशों का वीडियो वायरल हुआ। बस फिर क्या था, जो अपराधी बीच बाजार लोगों पर गोलियां बरसाने का खौफ दिखा रहे थे, आज वे खुद दूसरों का सहारा लेकर चलने को मजबूर हैं। बदमाशों को दादागिरी का भूत सवार था, जिसे पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से उतारा है। पुलिस ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अन्य बदमाशों को भी कड़ी चेतावनी दे दी है। पुलिस ने इस वीडियो मैसेज के जरिए उनके इरादे साफ कर दिए हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। वायरल वीडियो राजस्थान के सीकर का है। राजस्थान में इन दिनों पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। अलग अलग जिले में रोज सैकड़ों पुलिसकर्मी एक साथ सैकड़ों जगहों पर दबिश देकर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इन अपराधियों की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे वायरल किया है आईपीएस राहुल प्रकाश ने, जिन्होंने नीमका थाना इलाके में फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी का वीडियो अपलोड किया, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों पर लंबे लंबे प्लास्टर बंधे हैं और आरोपी को साथ के दो आदमी अपना सहारा देकर ले जाते दिख रहे हैं। इसके कैप्शन में लिखा है, अपराधी झुकेगा भी और टूटेगा भी। इस वीडियो को सीकर पुलिस ने भी रिट्वीट किया। वहीं एक वीडियो और है, जिसमें एक आरोपी हाथों के बल चलते हुए तो दूसरा आरोपी जमीन पर रेंगते हुए चल रहा है। अब ऐसा पुलिस की ओर से क्यों लिखा गया, तो हर काम के पीछे कोई वजह जरूर होती है। दरअसल इन बदमाशों का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म पुष्पा का है, जिसमें सुनाई दे रहा है कि झुकेगा नहीं, और अब इसी पर पुलिस ने इनकी हवा टाइट कर दी और साथ ही ये चेतावनी दे दी कि अपराधी झुकेगा भी और टूटेगा भी। आईपीएस राहुल प्रकाश ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें पैरों पर प्लास्टर बंधे दिख रहे बदमाश का नाम रविंद्र उर्फ बल्लू है। दरअसल 25 मार्च को बल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोटपुतली में रंगदारी को लेकर अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप संचालक पर फायरिंग की कोशिश की। इससे पहले दोनों ने एक हाथ में पिस्तौल लहराते हुए एक वीडियो बनाया और इसके बाद रविंद्र और उसके दो साथी नीमका थाना की तरफ भाग गए या उन्होंने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। एक बदमाश तो गाड़ी लेकर फरार हो गया, लेकिन रविंद्र और उसका एक साथी नीतीश खेतों की तरफ भागने लगे। उन्होंने मोहित नाम के एक बाइक से बात कर फायर भी किया उससे बाइक छीनने के लिए। जब नीतीश और रविंद्र भागने लगे तो दोनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की। दोनों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि दोनों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। वहीं सीकर में बद्री विहार के पास हुई 60 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने गई तो आरोपी घर की दूसरी मंजिल से कूद गया, इससे पैर में चोट भी लगी। तो दूसरा आरोपी कमल खेदड़ पुलिस को देखकर अपने घर से भागने लगा, जो पहाड़ के पास जाकर पत्थरों में जा गिरा, वो भी घायल हुआ। कल सीकर शहर में एक बैग छीनने की वारदात हुई थी, जिसमें हवाई फायर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फायर नहीं हुआ और उसकी मैगजीन पिस्टल की मैगजीन निकल गई थी। पर वो बैग छीनने में परिवादी से बैग छीनने में कामयाब हो गए थे और अपनी गाड़ियों के साथ भाग गए थे। परिवादी के मुकदमा दर्ज कराने पर हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाकर और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने करीब 13-14 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उनमें से 11 लोग हमने अभी तक इस मुकदमे में अरेस्ट किए हैं, जिनसे हमारी पूछताछ अभी जारी है। इसके अलावा इनसे पूछताछ में करीब 30 लाख रुपए इन लोगों के पास होना आया है, जिनकी बरामदगी हमारी टीम लगी हुई कर रही है। पुलिस ने इसका भी एक वीडियो शेयर किया और इसमें कोतवाली के बाहर आरोपी हाथों के बल चलते दिख रहा है, जबकि दूसरा आरोपी कोतवाली थाने में एक छोटे बच्चे की तरह जमीन पर रेंगता दिख रहा है। तो इस वीडियो के जरिए राजस्थान की पुलिस ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अपराधी अब झुकेगा भी और टूटेगा भी।